सावधान, आप सब भी सावधान हो जाइए, आप भी हो सकते हैं साइबर क्राइम के शिकार। आपकी थोड़ी सी भूल और आपका थोड़ा सा डर आपको कर सकता है बर्बाद, आपको लग सकता है लाखों का चूना। ऐसे ही साइबर क्राइम की शिकार हुई है कटिहार रेलवे में कार्यरत एक महिला कर्मी जिसका नाम है शिखा चटर्जी। शिखा चटर्जी रेलवे अस्पताल में कार्यरत हैं और ओटीपारा पाल मार्केट के क्वार्टर नंबर 561 सी में रहती हैं। इस महिला ने अपने जीवन भर की कमाई से अपने बैंक खाते में 10,70,701 रुपए जमा किए थे। इस महिला के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को रेलवे का वरिष्ठ पदाधिकारी बताता है और इस महिला से सैलरी अकाउंट की पे स्लिप मांगता है। अधिकारी महिला से कहता है कि आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन किया जाएगा, अगर आप बैंक स्लिप नहीं देते हैं तो आपका वेतन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। महिला बिना सोचे समझे और बिना जांच की उक्त फ़ोन करने वाले के व्हाट्सएप पर अपना पे स्लिप भेज देती है। उसके बाद तथाकथित फर्जी रेल अधिकारी का फिर फोन आता है। उक्त महिला शिखा चटर्जी से ओटीपी मांगता है। महिला उसके झांसे में आकर ओटीपी भी दे देती है। बस फिर क्या था, उस फर्जी तथाकथित रेल अधिकारी ने उस महिला का बैंक खाता ही पूरी तरह साफ कर दिया और उसके खाते से 10,70,701 रुपए निकाल लिए। कल दोपहर में मेरे पत्नी के अकाउंट नंबर में फ़ोन आया, फ़ोन नंबर में, कि मैं रेलवे का ADFM बोल रहा हूँ, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही अधिकारी का नाम बोले और अधिकारी लोगों का सारा डाटा जो है, पे स्लिप जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, इसीलिए सर हमको कुछ मैडम कुछ हेल्प करना है आपका पर्सनल नंबर से। तो उसमें कुछ नंबर वो मांगे, जो नंबर उसके पास पहले से ही था, जो नंबर को कंफर्म करवाएं सर ये नंबर है कि नहीं। उसके बाद जो है कुछ नंबर ऐसे बोले जो कि मेरा मदर के नाम में थी, जो कि एक साल पहले गुजर चुकी है। मदर का नाम भी बोले और बोले कि इस अकाउंट तो आपको SBI में ही है, तो मेन अकाउंट जो आपका दिया हुआ है सैलरी में वही बताइए। ऐसे करके ATM कार्ड नंबर उससे ले लिया और उसके बाद सारा पैसा निकल गया। कितना पैसा निकला है? लगभग 10,70,000। जब महिला को इस बात का पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, सारे पैसे खाते से निकल चुके थे। जैसे ही महिला के को इस बात का एहसास हुआ वे दौरे दौरे DRM बिल्डिंग स्थित स्टेट बैंक पहुंची। वहां उसने अपने बैंक खाते को चेक किया तो खाते से पूरे पैसे निकल चुके थे। ये देखते ही महिला को ज़बरदस्त सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। उसकी ज़िंदगी भर की कमाई लूट चुकी थी। खबर सुनते ही महिला के पति और अन्य परिजन भी वहां पहुंचे। सबों ने सहायक थाने में मामला दर्ज कराते हुए जिला पुलिस से इस दिशा में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल महिला सदमे में है और कुछ भी कहने की हालत में नहीं है, इसलिए आप भी हो जाइए सावधान। कोई भी अनजान आदमी अपने आप को बैंक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या रेल अधिकारी बताकर आपका बैंक डिटेल या ATM डिटेल मांग सकता है। अगर आपने गलती से भी अपने बैंक खाते का थोड़ा सा भी डिटेल उस व्यक्ति को दिया तो आपको भी लगेगा भारी चूना। ध्यान रहे, आजकल लाखों करोड़ों की लॉटरी फंसने के नाम पर भी लोगों से प्रोसेसिंग चार्ज या अकाउंट ट्रांसफरिंग के नाम पर 25 से 50,000 की ठगी की जा रही है, इसलिए ऐसे फोन कॉलों से सावधान रहें।